हाँ तो बच्चों, हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे 11th का। 11th का हाइड्रोकार्बन में जानेंगे। 11th का हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ रहे थे। हाइड्रोकार्बन में हम लोग जान रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। उसमें हम लोग हैलोजिनेशन इसके पहले वीडियो में देखे थे। हैलोजिनेशन, तो हाइलोजिनेशन में हम लोग क्लोरीनेशन देख लिए थे। क्लोरीनेशन, अच्छा क्लोरीनेशन में क्या होता? हाइलोजन आपको पता ही है कि फ्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन होता है। ठीक, अब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में हम लोगों को हैलोजिनेशन में जानना था। हम लोग क्लोरीन पढ़ लिए थे। क्या पढ़ लिए थे? क्लोरीन। क्लोरीन जान गए थे। तो इसमें रिएक्टिविटी जो ऑर्डर होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन एक्जोथर्मिक रिएक्शन करता है, बहुत फास्ट रिएक्शन करता है फ्लोरीन। जब फ्लोरीन का रिएक्शन एक्जोथर्मिक होता है, बहुत फास्ट होता है, तो उसको हम लोग देखते नहीं, क्योंकि वह बहुत तेज रिएक्शन रहता है, बहुत क्विक बन जाता है। इसलिए उसको रिएक्शन करना लेबोरेटरी में संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो फ्लोरीन का एक जो थर्मिक रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, फास्टेस्ट रिएक्शन होता है, फास्टेस्ट रिएक्शन। फ्लोरीन का रिएक्शन फास्टेस्ट होता है। अब बचा क्लोरीन, क्लोरोनेशन नेशन, जो हम आपको इसके पहले वाले क्लास में बताए थे। इसके होने का जो रेशियो होता है, प्राइमरी का RP, सेकेंडरी का और टर्शियरी का, इसका जो रेशियो होता है 1:3.8:5 होता है। कल इस पे हम लोग क्वेश्चन किए थे। अब बात आती है, क्लोरीनेशन हो गया हैलोजिनेशन में, इसके बाद क्लोरीन का, ब्रोमीन का, तब आयोडीन का देखेंगे। तो फिर ब्रोमीन का देख लेते हैं, ब्रोमीनेशन वाला इसका। तो नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग आज वाले क्लास में ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनीकरण, मतलब हमें एडिशन ऑफ ब्रोमीन करना है, सब्स्टिट्यूशन कराना हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को निकालना है, मान लीजिए ये आपका मेथेन है, यहाँ से हमें हाइड्रोजन निकालना है इन प्रेजेंस ऑफ HNU। हाइड्रोजन को रिमूव करना है और हाइलोजन को, मतलब ब्रोमीन को, यहाँ पे ऐड करना है। मान लीजिए यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है तो CH3Br प्लस H और Br बाहर निकलेगा। देखिए कैसे, CH3H प्लस Br और इन प्रेजेंस ऑफ HNU, HBr बाहर होगा, HBr जाके यहाँ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा CH3Br प्लस HBr। ये आपको ऐसे रिएक्शन देखेगा बोला। हाँ, लेकिन ब्रोमिनेशन का जो जो ब्रोमिनेशन का आपका रेशियो होता है, जो आपका रिएक्टिविटी का क्रम होता है, वो प्राइमरी का जो होता है, सेकेंडरी का जो होता है और टर्शियरी का जो होता है, उसमें रेशियो होता है 1:82 और 1600। ये होता है, मतलब प्राइमरी से 82 गुना ज़्यादा रिएक्टिव होता है सेकेंडरी, और सेकेंडरी से 1600 गुना ज़्यादा रिएक्टिव होता है टर्शियरी। ये बात हमें समझना होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। अब देखिए, जैसे हम एक एक स्टेप करके रिएक्शन बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये है CH3, CH2 और H, और Br2 से अभिक्रिया कराना है, तो यहाँ पे H Br बाहर हो जाएगा, Br जाए ऐड हो जाएगा, क्या बचेगा CH3CH2Br प्लस HBr। ये बना आपका ब्रोमोएथेन या एथिल ब्रोमाइड। अब इसके बाद एक बात और देखना है, अगर हम अगला वाला कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं, ये इसका हमें ब्रोमिनेशन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ HNU। अब देखिए, जब इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे तो ये वाला जो कार्बन है
यहाँ आपका तीन हाइड्रोजन, यहाँ आपका दो हाइड्रोजन, यहाँ आपका तीन हाइड्रोजन। ये कार्बन दो कार्बनों से जुड़ा है, जबकि ये वाला कार्बन खाली एक से, ये वाला भी एक कार्बन से। तो ये वाला कार्बन है 2 डिग्री कार्बन, ये वाला 1 डिग्री और ये वाला 1 डिग्री कार्बन है। अब बताइए यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन का, 1 डिग्री कार्बन का होने का रेशियो 1 है, जबकि 2 डिग्री कार्बन का यहाँ से 82 गुना। तो हम क्या करेंगे, 1 डिग्री कार्बन में 3 हाइड्रोजन, इसका हम रिजल्ट कैसे निकालेंगे, कौन रिएक्शन और कौन प्रोडक्ट मेजर बनेगा। यहाँ बताइए 1, 2, 3, यहाँ पे 3, 1 डिग्री के पास 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 3 यहाँ 6 हाइड्रोजन, और आपका इसका रिएक्टिविटी का आर्डर कितना 1, यानी इसका वैल्यू आई 6। अगला 2 डिग्री के पास 2 हाइड्रोजन, इसका रिएक्टिविटी आर्डर है कितना 82। तो ये हम गुणा अगर करेंगे तो 2 2 4 और 8 2 16 164। तो इसका तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रहा है 2 डिग्री का, यानी मेजर प्रोडक्ट कहाँ बनेगा अगर आपका ब्रोमीन 2 डिग्री पर जुड़ेगा। हाँ, माइनर यह भी बन सकता है, यहाँ ब्रोमीन जुड़ जाए, ये आपका मेजर होगा और ये आपका माइनर। ये हो गया। अगले वाले रिएक्शन को देखते हैं। अगर हमारा ये है प्लस ब्रोमिनेशन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ एच न्यू, इन प्रेजेंस ऑफ एच न्यू, आप बताइए 1, 2, 3, यहाँ पे भी 1, 2 और 3 यहाँ पे, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। फिर यहाँ पे बताइए 1 डिग्री कार्बन कौन है, 1 डिग्री कार्बन, यह भी 1 डिग्री कार्बन, यह 2 डिग्री कार्बन, यह भी 2 डिग्री कार्बन। अब हमें 1 डिग्री कार्बन के पास ऐड करना है, बस रिजल्ट देख लेते हैं किसका हम कहाँ पे रिएक्शन कराएंगे। बताइए यहाँ 1 डिग्री कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, 6, 3 यहाँ 6 हाइड्रोजन। 1 डिग्री कार्बन का रिएक्टिव आर्डर कितना होता है 1, 6 हो जाएगा। 2 डिग्री के लिए लेंगे हम लोग, 2 डिग्री के पास 2, 2 यहाँ 4, 4 हाइड्रोजन, इसका रिएक्टिविटी जो आर्डर होता है वो 82 गुना ज़्यादा होता है, मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव होती है 1 डिग्री की तुलना में। हाँ, तो देखिए ये आपका जो रिजल्ट था 1 डिग्री का वो 6 आया था, इसका रिजल्ट पता ही है 82 में 4 गुणा करेंगे ढेर आएगा, ढेर आएगा तो फिर इसका दिक्कत होगी ना। तो इसका ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, देखिए मेजर बना दिए। अब माइनर देखिए इसका क्या बनेगा, माइनर देखिए ये बनेगा Br, ये माइनर आपका बन गया माइनर। ठीक, अगली बात देखिए ये है कि मान लीजिए ये यहाँ पे आपका पता है CH3 होगा, यहाँ भी आपको पता है, यहाँ भी आपको पता है, यहाँ भी आपको पता है। अब देखिए वहाँ यहाँ 1 डिग्री कार्बन तो है नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ 1 डिग्री कार्बन नहीं है, अरे 1 डिग्री कार्बन है, 2, 3 डिग्री कार्बन नहीं है। तो 1 डिग्री कार्बन पर कितने हाइड्रोजन, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 गुड़े 1, यानी 12 ही होगा, और इसमें 2, 3 डिग्री है नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट में रिएक्शन हो जाएगा आपका, यहाँ जुड़ जाएगा आपका Br, क्योंकि हम करा रहे हैं ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ एच न्यू। ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए अगली बात ये हो गया आपका, इसके बाद देख लेते हैं इसको। हाँ देखिए, ये देखिए आपका इसके लिए, इसका भी ब्रोमिनेशन करवाते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, ये भी 2 डिग्री है, यह भी 2 डिग्री, यह भी 2 डिग्री, लेकिन इसका इस 2 डिग्री का नेचर अलग है, इन दोनों का नेचर अलग है। बताइए रिजल्ट क्या होगा आपका, अगर हम 1 डिग्री का देखें पहले, 1 डिग्री के लिए, 1 डिग्री के लिए 6, यहाँ 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 6 हाइड्रोजन और आपका 6 हाइड्रोजन, इसका जो होगा रेशियो जो होगा 1 होगा, तो 6 वैल्यू आएगी।
अब 2 डिग्री के लिए हम लोग देखते हैं, 2 डिग्री में इनका नेचर अलग, इन दोनों का नेचर अलग, पहले इन दोनों के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, इसका 82 गुना होता है, वैल्यू एब्सोल्युटली ज़्यादा आएगी। और 2 डिग्री का डैश देख लेते हैं इसके लिए, तो आपका हो जाएगा 2 हाइड्रोजन और इसका 82 गुना। हमें पता है ये वैल्यू, इस सबसे ज़्यादा वैल्यू यही आएगी, यानी यहाँ और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ सकता है। देखिए यहाँ पे अगर ब्रोमीन जुड़ गया, एक यह बनेगा, एक यहाँ ब्रोमीन जुड़ गया यह बनेगा, और एक आपका ब्रोमीन यहाँ जुड़ गया यह बनेगा। सबसे स्टेबल आपका मेजर वाला प्रोडक्ट यही होगा, ये दोनों आपके माइनर होंगे। कुछ और बात देख लेते हैं, और कुछ बात यह है आपका, हाँ इसको देखते हैं। इसके लिए तो हमें पता है यहाँ एक हाइड्रोजन CH3 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 ब्रोमिनेशन कराते हैं, यहाँ ब्रोमिनेशन होगा, तो ये आपका इसका जो रिजल्ट होगा ये आपका 3 डिग्री कार्बन है, 1 2 3। 3 डिग्री के लिए 1600 गुना होता है इंटू वन, 1 हाइड्रोजन यानी 16, सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू इसी की है कि इसमें कोई दो राय नहीं। ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री के लिए हमें पता ही है कि 3 3 6 3 9 × 1 यानी 9 बहुत छोटा आएगी, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका यहाँ यही आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये तो बहुत कम बनेगा। और भी इसी प्रकार देख लेते हैं इसके लिए, ये देखिए यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एक है, यहाँ 3 हाइड्रोजन आपका है, और यहाँ आपका 2 2 हाइड्रोजन है। इसका बताइए रिजल्ट कैसे निकलेगा, 1 डिग्री 3 हाइड्रोजन, 1 डिग्री × 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 3। और 2 डिग्री के लिए, ये 1 डिग्री के लिए पार, 2 डिग्री के लिए क्या होगा, 2 डिग्री के लिए 4 हाइड्रोजन, 4 × 82 times जो भी वैल्यू आएगी। 3 डिग्री है, हमें पता 3 डिग्री का रेशियो 1600 गुना होता, 1 × 1600, सबसे बड़ी वैल्यू आपकी यही आएगी, इससे ज़्यादा बड़ी। यानी अगर इसका हम ब्रोमिनेशन कराते हैं एच न्यू, तो आपका सबसे स्टेबल कंपाउंड ये बनेगा, ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा। और भी कुछ बात देख लेते हैं इसके लिए, देखते हैं यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। ब्रोमिनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एच न्यू, तो हमें पता है इसके लिए देखें क्या होता है, होता ये कि ये आपका 3 डिग्री है हाइड्रोजन, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री वाले कम है, 1 डिग्री वाले और कम है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी जुड़ने की, सबसे मेजर प्रोडक्ट आपका बनेगा यहाँ पर ब्रोमिनेशन वाला। तो आपको बात समझनी होगी, कुछ बातें इम्पॉर्टेंट है जो आपको जाननी होंगी, यहाँ हम चार्ट रूप में बना देते हैं। देखिए क्लोरीनेशन के लिए और ब्रोमिनेशन के लिए, देखिए होता क्या है, 1 डिग्री के लिए, 2 डिग्री के लिए, अच्छा ऊपर लिख देते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री के लिए 1 1 दोनों का होता है, इसमें होता है 3.8, इसमें होता है 82 times, इसमें आप होता है 5 times, इसमें होता है 1600 गुना। तो ब्रोमिनेशन में चूज करना आसान है, जबकि क्लोरिनेशन में थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें मल्टीप्लाई करके देखना होगा। इसमें 3 डिग्री होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, 2 डिग्री होगा उससे कम, और 1 डिग्री होगी, मतलब 1 डिग्री तो होता है सबसे कम। तो 3 डिग्री इस ब्रोमिनेशन में रिएक्टिविटी आसान देखना है, 3 डिग्री के लिए आँख मुन करके सब लोग 3 डिग्री के लिए 1600 गुना होता तो वही कर देंगे। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को ब्रोमिनेशन समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही।